नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं MHT CET के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको MHT CET का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑनलाइन आवेदन करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े और आपको पूरी जानकारी दिखाएं, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और MHT CET की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको बता दें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसके साथ ही हम आपको ऑनलाइन आवेदन यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। वहीं आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट educationindialive.com पर जरूर विजिट करिएगा। वहां पर आपको MHT CET के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिलेगी और ऑनलाइन अप्लाई का डायरेक्ट लिंक भी देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार educationindialive.com वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा। अब आपको इस पेज पर आ जाना है जिसका आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या CET सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, इस पेज पर आने के बाद आपको न्यू यूजर के अंदर देखने को मिल रहा है रजिस्टर, आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम फिल कर देना है, फुल नेम यहाँ पर आपको फिल करना है, आपका जो नाम है और आपका जो यहाँ पर मिडल नेम है और सरनेम है वो तीनों ही यहाँ पर आप फिल कर देंगे या फिर नेम और सरनेम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपको ध्यान देना है कि ये SSC और HSC की जो मार्कशीट है उसी के जैसा होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। और आपको यहाँ पर जो है अपनी ईमेल आईडी देनी है। एक ईमेल आईडी आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दे रखिएगा कि ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो कि अभी आपके ओपन है, क्योंकि आपके जो पासवर्ड है अगर आपको रिकवर करने होंगे तो वो भी आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद OTP वगैरह की भी प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए आप ईमेल यहाँ ध्यान से दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड की जो साइज है वो यहाँ पर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 16 कैरेक्टर हो सकते हैं। आपको एक अपर केस यूज करना है, यानी कि कोई भी एक अपर केस लेटर आप लिख देंगे, उसके बाद आप लोअर केस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्पेशल करेक्टर फिल करना है, जैसे कि हैशटैग या @ कोई भी आप एक फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर लिख लेने हैं। तो एक ऐसा पासवर्ड आपको क्रिएट कर देना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको पासवर्ड को कंफर्म करना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करने हैं OTP वेरिफिकेशन के लिए। और उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा, इस कैलेंडर में से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। ये सारी जानकारी फिल करके आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फादर का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने फादर का जो फर्स्ट नेम है उसी को फिल करना है और सर नेम को नहीं फिल करना है। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर आपको मदर का नाम भी फिल करना है, मदर का भी जो फर्स्ट नेम है उसी को फिल करना है, सर नेम यहाँ पर नहीं फिल करना है, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपना जो रिलीजन है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है आप अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे। रीजन के अंदर रूरल या फिर अर्बन, अगर आप शहरी एरिया के अंदर रह रहे हैं तो आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे और अगर आप ग्रामीण एरिया के अंदर रह रहे हैं तो आप रूरल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको मदर टंग के अंदर आपको बताना है कि आपकी जो मदर टंग है वो क्या है। तो यहाँ पर जो है आप मराठी है तो मराठी यहाँ पर लिख देंगे और अगर हिंदी है तो आप हिंदी यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना जो एनुअल फैमिली इनकम है वो लिखना होगा कि आपका जो एनुअल फैमिली इनकम है वो कितना है। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस के अंदर मैरिड या अनमैरिड में से आप बता देंगे और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो परमानेंट एड्रेस यानी कि जो आपका स्थायी पता है जहाँ पर आप बचपन से रह रहे हैं उस परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। परमानेंट एड्रेस के अंदर यहाँ पर आप एड्रेस लाइन 1 फिल करेंगे, उसके बाद लाइन 2 फिल करेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एड्रेस लाइन 3 फिल करने की आवश्यकता नहीं है, अगर एड्रेस लाइन 1 और लाइन 2 में ही समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर इसे खाली छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है तालुका देखने को मिलेगी, तालुका आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप विलेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पिन कोड फिल करेंगे। पिन कोड फिल करने के बाद STD कॉल फिल करने की आवश्यकता
नहीं है, यहाँ पर आपको जो है अपने मोबाइल नंबर देने हैं, वही दे देंगे जो कि आपने पहले दिए थे। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है, तो यहाँ पर आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो यह सारी जानकारी फिल हो जाएगी और आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर अलग है तो आप इसे लिख देंगे और यहाँ पर अगर सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर टिक कर देंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पर जैसा कि देखने को मिल रहा है डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल है यानी कि महाराष्ट्र के मूल निवासी है तो आप यहाँ यस करेंगे, और अगर नहीं है तो आप यहाँ नो कर देंगे। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको माइनॉरिटी डिटेल्स का एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप माइनॉरिटी के अंदर आ रहे हैं राज्य में तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद अगर कोई भी डिसेबिलिटी है यानी कि 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो करेंगे। और यहाँ पर जो है आपको SSC पास करने का ईयर बता देना है, और उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट टोटल परसेंटेज यानी कि SSC के अंदर आपको कितने परसेंटेज मिले थे वो यहाँ पर आपको बताना है। वहीं यहाँ पर जो है आपको नीचे आ जाना है, जैसे SSC का यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। SSC का सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने इक्विवेलेंट टोटल परसेंटेज यानी कि आपको कितने परसेंटेज प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। जितने भी परसेंटेज यहाँ पर आपको फिल करने हैं वो आप कर देंगे। यहाँ पर जैसे कि अगर आपको 85.5 यहाँ पर अगर इतने परसेंट हुए हैं प्राप्त तो आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने महाराष्ट्र स्टेट से किया तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप CBSE से किए हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्कूल जो है, यहाँ पर SSC स्कूल जो है यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि किस स्कूल के अंदर आपकी जो SSC स्कूल है वो थी। और उसके बाद अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे। अगर आप नो कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने HSC के बारे में यानी कि 12th के बारे में जानकारी फिल करनी होगी, जिसमें यहाँ पर आपको ईयर बताना होगा। और ईयर बताने के बाद यहाँ पर जो इक्विवेलेंट बोर्ड बताएंगे, यहाँ पर आप मार्क्स का टाइप बताएंगे, परसेंटेज या CGPA। अगर आप परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है कि HSC के अंदर आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको HSC के अंदर जितने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे वो यहाँ पर आप बता देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने 12th में जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो लिखने होंगे। 12th के अंदर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जो है आपके परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। और उसके बाद आप सेव चेंजेस पर, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और उसके बाद MHT CET 2024 का सिलेक्शन कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, यहाँ पर जो है आपको MHT CET की पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है तो ऐसे में आपको ये ध्यान से पढ़ लेने हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, आई हैव डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पर टिक करना है और आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन के वक्त दी गई पूरी जानकारी आ जाएगी, उसे ध्यान से देख लेना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ सबसे नीचे आ जाना है, और यहाँ आकर आपको सबसे पहले ये जो कैप्चा कोड नीचे देखने को मिल रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको क्या करना है, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। OTP वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, यहाँ पर आपको डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स के सामने लिखे हुए इनकम्प्लीट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा, यहाँ पर आपने जो डोमिसाइल स्टेट आपने फिल किया यस और नो वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके ठीक नीचे यहाँ पर जो है आपको कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपके कैटेगरी है उस कैटेगरी को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट करनी है, जिसमें सेलेक्ट कास्ट पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से जो है आपको अपनी कास्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी कास्ट है उस कास्ट को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। कास्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर जो है डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको बता देना है कि जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर नहीं। और उसके बाद यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर फिल करने हैं, और अगर आप यहाँ पर जो है कास्ट जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर अगर आप पोजेस करते हैं यानी कि कास्ट की जो वैलिडिटी है उसे आप अवेलेबल करेंगे, और यहाँ पर जो है उसके बारे में यहाँ जानकारी फिल कर देंगे।
तो यहाँ पर जानकारी आप फिल करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त ही सिलेक्ट कर लिया था, यहाँ पर आपको नीचे आना है। माइनॉरिटी डिटेल्स भी हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त फिल कर दी थी। उसके बाद यहाँ ऑर्फन डिटेल्स यानी कि अगर आप अनाथ है तो आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप नो कर देंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वालिफिकेशन डिटेल्स का एक पेज आएगा। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त डिटेल भर दी थी, तो ऐसे में कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं है, आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ग्रुप पर क्लिक करना है, पीसीबी पीसीएम या बोथ पर क्लिक कर देना है। जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम यहाँ कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है आपको सेंटर की प्रेफरेंस फिल कर देनी है। जो भी आप सेंटर पाना चाहते हैं उस सेंटर को यहाँ पर आप जो है फिल कर देंगे। सेंटर को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो है एक नया ऑप्शन आएगा फोटोग्राफ और सिग्नेचर का, तो यहाँ पर जो है आप अपलोड टाइप को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले फोटोग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे और अपने फोन या कंप्यूटर में से यहाँ पर आपको फोटो को अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर को भी अपलोड कर देंगे। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, आप सेलेक्ट एक डॉक्यूमेंट करेंगे, कोई भी आप डॉक्यूमेंट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है यहाँ अपलोड पर क्लिक करके अपने फ़ोन या कंप्यूटर में से ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी आप यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं उसी को यहाँ पर आपको अपलोड करना है, तो आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपको यस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है अपना जो फीस है वो पे आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है फीस की डिटेल्स आ जाएगी, कैटेगरी वाइज यहाँ फीस की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर आपको सेलेक्ट पर टिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर टिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो है एक ऑप्शन है रेजर पे पर, आप टिक करेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन है आप पढ़ लेंगे, आई एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है अब आपके सामने बैंक का पेज आएगा जहाँ से आपको यहाँ ऑनलाइन अपनी फीस पेमेंट कर देनी है। आप इनमें से कोई भी जो एक पेमेंट मेथड है उसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जानकारी फिल करेंगे और पे नाउ पर क्लिक करके पे कर देंगे अपनी फीस को। फीस को पे करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। यह थी पूरी जानकारी MHTCET के ऑनलाइन फॉर्म भरने को लेकर। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करेगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।